देवरा का ट्रेलर देखा वही हुआ जिसका डर था। जूनियर एनटीआर डबल रोल में, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में थालापति डबल रोल में, एनिमल में रणबीर कपूर, जवान में एसआरके। इटली का तो रूल है कि बिना डबल रोल के मूवी बनाएंगे नहीं, ट्रिपल भी चले जाते हैं। मेडसल बिगिल दोनों में थालापति और आपको डबल ट्रिपल रोल वाला मामला देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, पर पिछले कुछ सालों में ये मामला इतना बढ़ गया है कि हर दूसरी बड़ी मूवी के अंदर आपको डबल रोल देखने को मिलेंगे। तो इसी बारे में बात करेंगे कि भाई चूल क्या है, क्यों इतनी सारी डबल रोल वाली मूवीज देखने को मिल रही है और किस तरीके से डबल रोल को मूवी के अंदर यूज किया जाता है। मेरे स्मार्ट इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महानुभाव मित्र का तो ये जवाब था कि एक एक्टर से दो रोल करा लिए, पैसा बचा लिया। लॉजिक, तालियां तो बजनी चाहिए इस बात पर, एक लाइक मेरे मित्र के लिए। पर यह सबसे वाहियात रीजन होगा कि अगर मूवी में डबल ट्रिपल रोल इसलिए डाले गए हैं कि दूसरे एक्टर को पैसे ना देने पड़े। अगर एक एक्टर एक से ज्यादा रोल प्ले करेगा तो वहां पे कई तरीके से तकनीकी रूप से पैसा खर्च होगा, सेट पर ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम शूटिंग में लगेगा उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होगा, एक्टर और क्रू दोनों के लिए थकाने वाला काम भी है। दशा अवतारम 2008 की इस मूवी के अंदर कमल हासन जी ने 10 रोल प्ले किए, डबल ट्रिपल रोल भूल जाओ तुम, 10 रोल और 10 के 10 एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जॉर्ज बुश से लेकर 7 फीट लंबे जाइगेंटिज्म से पीड़ित टेलर का रोल प्ले किया, हर एक कैरेक्टर का अलग मेकअप, उस मेकअप का खर्चा और 6-7 घंटे तक वो मेकअप कराने के लिए बैठना, उसके ऊपर से बिना थके परफॉर्म करना, तो मेरे मित्र की बात को तो पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं कि कोई भी मूवी के अंदर डबल रोल इसलिए नहीं डालता कि पैसा बचा लिया जाए। पोस्ट बाहुबली कर्ज, वंस अपॉन ए टाइम जब बॉलीवुड इंडिया पे राज कर रहा था, तब एक मूवी आंधी की तरह आई और इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ग्रैंड मूवीज के पैमाने बदल गए, मूवीज बड़े स्केल पे बनने लग गई। इस मूवी के साथ काफी सारे चेंज आए जिनमें से एक था डबल रोल का फंडा। फिल्म मेकर्स को लगने लग गया कि अगर मूवी बड़ी बनानी है डबल रोल डालो और 2 पार्ट कर दो, देवरा पार्ट 1, देवरा पार्ट 2, एनिमल, एनिमल पार्क। हर बड़ी मूवी किसी ना किसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को दिखाती ही है, डबल द ड्रामा डबल द स्टोरी। हमारी मूवीज ग्रैंड होती है, लार्जर देन लाइफ होती है, मास मसाला होती है, जिसमें ट्विस्ट, समस्या और सरप्राइज दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। एक ही एक्टर डबल मजा दे रहा है, अगर ये एलिमेंट सही से यूज किया जाए तो ऐसा फील होता है कि एक मूवी के अंदर 2 कहानियां देख ली। जवान के अंदर एसआर के बाप और बेटे दोनों हैं, आजाद और विक्रम राठौर। बाहुबली में प्रभास के साथ ऐसा है। मार्शल में थालापति दादा बाप बेटा तीनों है। अब होता ये है कि हर एक कैरेक्टर की अपनी जर्नी होती है, उसके डिफरेंट मोटिव होते हैं, ऊपर से लुक भी अलग होते हैं। अब जवान में आजाद की कहानी अलग लगती है, विक्रम राठौड़ की अलग। बाहुबली में भी आप देखोगे तो अमरेंद्र बाहुबली का एक अलग डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट मोटिव है। वहीं महेंद्र बाहुबली का एक अलग तरीका है। आजाद जेल में पैदा हुआ है, माँ को फांसी दे दी गई है, पुलिस ऑफिसर बनता है। विक्रम राठौड़ कमांडो है जिसकी याददाश्त चली गई है। स्टार पावर, अब एक ही मूवी के अंदर एसआरके का लुक अलग है, 2 रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों कहानियां अलग है, दोनों कैरेक्टर अलग मजा देते हैं। विक्रम राठौड़ अपने साथ एक अलग स्वेग लेके आते हैं। एक ही मूवी के अंदर आपके फेवरेट एक्टर की 2 कहानियां चल रही है। थालापति जवान भी है, बिल्कुल जवान भी, दादा भी है। जनता जो उनका स्टार पावर देखने के लिए थिएटर में आई है, उनका मजा तो डबल हो गया ना। अपना सिनेमा पूरी तरीके से स्टार ड्रिवन है। ऐसे में रोबोट में रजनीकांत साइंटिस्ट बनते हैं और चिट्टी भी। ऑडियंस को थिएटर की तरफ खींचने का डबल पावर मिल जाता है। करण अर्जुन मगधीरा ओम शांति ओम, इन मूवीज में मेन कैरेक्टर मरने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं, पर बाहुबली के बाद बाप बेटे वाला सिस्टम ज्यादा चला। एसआरके के डबल रोल जो अपन ने देखे, ओम शांति ओम, रावण, जवान, इनमें सबसे ज्यादा मजा आया अपन को जवान में। मैं पुराने जमाने में जा ही नहीं रहा जहाँ पे उन्होंने डुप्लीकेट वगैरह करी थी, क्योंकि क्या है कि ओम शांति ओम में जो कैरेक्टर्स थे उनको आप डबल रोल की कैटेगरी में नहीं डालते, जबकि असल में दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, जिस तरीके का वो पहनावा पहनते हैं, ऊपर से का डिफरेंस भी है, पर जब जवान में दोनों एक साथ एक ही टाइम पर स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं तो मजा डबल हो जाता है। ओम शांति ओम वाला केस बाहुबली के साथ भी है कि वहां पे अपन ने कभी भी महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली को एक साथ नहीं देखा, पर बाहुबली रिकार्नेशन वाले रूट पे नहीं जाती। नॉर्मली मूवीज में 3 तरीके से डबल रोल को दिखाया जाता है, पुनर्जन्म, बाप बेटा या भाई भाई, तीसरा साइंस के जरिए से। अब डबल रोल का सही तरीके से कैसे यूज करते हैं उसको समझने के लिए थोड़ा अपन को एग्जांपल्स पे आना पड़ेगा। रणबीर कपूर की 2 मूवीज लेते हैं अपन, समसेरा और एनिमल। समसेरा, हाँ एक मूवी आई थी, तुमको याद नहीं होगा। समसेरा पोस्ट बाहुबली एक लहर चली थी पीरियड मूवीज बनाने की, वहां से निकल के आती है समसेरा, जो बाप बेटे वाला कॉन्सेप्ट था उसको यूज करती है। मूवी पूरी तरीके से बाहुबली वाला मैजिक रिक्रिएट करने की कोशिश करती है और इसी वजह से पूरी तरीके से फेल हो जाती है। लोगों को याद भी नहीं है कि रणबीर कपूर की समसेरा नाम की मूवी भी एग्जिस्ट करती है। दूसरी तरफ एनिमल, जहां पर साइंस का यूज किया गया है, प्लास्टिक सर्जरी, साइफाई जोनरा के
डबल रोल अपन ने देखे थे रोबोट में, रावण में, एनिमल में डबल रोल को यूज करने के तरीके में एक फ्रेशनेस थी। यहाँ पर कोई आइडेंटिकल ट्विन नहीं दिखाया गया, ना ही कोई रोबोट जिसको चेहरा पहना दिया गया हो, और ना ही पुनर्जन्म। एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया गया जहाँ पे पहले सीन से फोर शेडोइंग की गई थी डुप्लीकेट बनाने की। रणबीर कपूर को उसकी माँ बोलती है कि अपन तेरे पापा का क्लोन बना देते हैं। फिर मूवी के बीच में अपन को अनिल कपूर का हमशक्ल भी दिखाया जाता है। तो चीजें ऐसे पहले से बिल्ड करी जाती है, दिमाग में अपने सेट किया जाता है कि इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है डबल रोल। तो फिर जब अजीज का कैरेक्टर आता है तो वो बिलीवेबल भी लगता है कि हाँ भैया यहाँ हो सकता है कुछ ऐसा। और अजीज के कैरेक्टर के बनने के पीछे भी एक कहानी दी गई है कि अपनी तृप्ति दिमरी जी आई थी रणबीर कपूर के पास और उनका मोटिव ये था कि वो पूरी तरीके से उसका डुप्लीकेट बना पाए तो उसके शरीर का डाटा लेके चली जाए। और डाटा तो लिया भाभी नंबर दो ने पूरा। और ये कैरेक्टर रणविजय से बिल्कुल अलग बिहेव करता है, चाहे वो चाल हो चाहे वो ढाल हो। एनिमल परफेक्ट एग्जांपल है कैसे आप डबल रोल को यूज करोगे मूवीज के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि अच्छा अपने ये एक्टर जी हैं तो अपन करते हैं कि इनको तीन चार रूप में दिखा देते हैं, ऑडियंस को मजा आ जाएगा। इसी तरीके से बनाई जा रही है, कहानी में ज्यादा इम्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं रोल, और इसी चक्कर में हो जाता है ओवर यूज हर दूसरी मूवी के अंदर देखने को मिल रहा है। ऊपर से बाप बेटे वाला तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया वो देख के। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में भी ये पंगा था, बस एंड में थोड़ा क्लोनिंग वाला जोड़ दिया उन्होंने। अब ऐसा नहीं कि बाप बेटे वाले कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यूज नहीं किया जा सकता, पर वो बहुत ज्यादा रिपीट हो गया है कि ये कॉन्सेप्ट अब हमको उत्तेजित नहीं करता। देवरा के साथ भी यही है, बाप बेटा दोनों सेम शक्ल के। मैं डबल रोल के कॉन्सेप्ट को नकार नहीं रहा हूँ, एनिमल में देखा मजा आया, जवान में देखा मजा आया, पर अति तो हर चीज की बुरी है ना। डबल मजा, डबल ड्रामा, स्टार पावर, इनके अलावा कई बार थीमेटिक डेप्थ को दिखाने के लिए भी डबल रोल का यूज किया जाता है। सेम चेहरे वाला बंदा इवल भी है और गुड बॉय भी है। अगर स्क्रीन प्ले को पकड़ के रखा गया है, कहानी इंटरटेनिंग है, ऊपर से इस मामले वाली मूवीज पैसा भी बहुत कमा के दे रही है, जवान, एनिमल, बिगिल, मार्सेल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सारी की सारी छप्पर फाड़ सुपर हिट है, तो बाबू फिर तो ओवर यूज करेंगे ही ना, जब तक तेल ना निकल जाए, जब तक हजार हजार करोड़ घर पे आ रहे हैं ऐसा ही बनता रहेगा मामला। पैसा बोलता बाबू। बाकी तुम नीचे जाके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि तुमको कैसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट, क्या तुम थक गए हो क्या मेरी तरीके से सेम चीज देख के कि अच्छा बेटा बना दिया, बाप बना दिया, दादा बना दिया। और अगर नहीं तुमको मजा आ रहा है तो भी तुम लिख के बता सकते हो कि ऐ ज्यादा नहीं बोलने का। बाकी तो वही है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मजा आया क्या तो ये दोनों वीडियोज भी चेकआउट कर लो और मजा आएगा। बाकी तो सब बढ़िया घर पे।